जय माँ काली भक्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके, हमारी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही सरल और शक्तिशाली टोटका, जिसका प्रयोग करके आप किन्हीं भी दो लोगों में झगड़ा लगवा सकते हैं। टोटका बहुत ही सरल है। टोटके में जो मंत्र दिया गया है वह पूर्णतया सिद्ध किया गया है, अतः आपको मंत्र सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको तो सिर्फ हमने जैसे जैसे बताया है आपको वैसे वैसे ही करना है, और निश्चित रूप से आपको टोटके का फल प्राप्त हो जाएगा। टोटके से संपूर्ण रूप से फल प्राप्त करने के लिए आपको हमारे वीडियो का अंत तक देखना होगा, क्योंकि हम वीडियो के अंत तक कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं जिनके अभाव में ये टोटका होना नामुमकिन है। अतः हम आपसे यही अनुरोध करते हैं कि आप वीडियो को अंत तक देखें, उसके बाद ही टोटका करने का प्रयास करें। चलो अब हम आपको बताते हैं कि आपको ये टोटका करना कैसे है। यह टोटका आपको शनिवार और मंगलवार की रात्रि को करना है। रात्रि को आप किसी भी समय आप ये टोटका कर सकते हैं, इसमें कोई समय सीमा नहीं है, किसी भी समय आप ये टोटका कर सकते हैं। सबसे पहले आपको दो इलायची लेनी है। फिर इस इलायची को अपने दाएं हाथ की मुट्ठी में बंद कर लें, और आपको एक मंत्र बताऊंगा, उसका जाप करना है, जो कि इस प्रकार है। ओम नमो काली अमुक जिंदगी त्वम अलग थलग कुरु कुरु फट स्वाहा। मंत्र में जहाँ अमुक बताया है हमने, वहां पर आपको उन दोनों व्यक्तियों का नाम लेना है जिन्हें आप अलग करना चाहते हैं, और बाकी मंत्र हमने आपको जैसे बताया है वैसे का वैसे ही आपको जाप करना है। मंत्र का जाप पूर्ण होने के बाद उन दोनों इलायची को अपने सर से दाएं से बाएं की तरफ 7 बार घुमाकर उन पर 7 बार फूंक मारें। फूंक मारने के बाद उन्हें अपने शौचालय में डाल दें और फ्लश कर दें, और वहां से तुरंत आ जाए। ऐसा करने के बाद 24 घंटे के अंदर वह दोनों व्यक्ति अलग हो जाएंगे। वैसे तो हमने आपको टोटके में हर एक बात बताई है, मंत्र भी बताया है, विधि भी बताई है, उसके बावजूद आप ये टोटका करते हैं और आपको टोटके से फल की प्राप्ति नहीं होती है, तो आप गुरु जी से संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। जय माँ काली भक्तों, जय माँ काली।